में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज संबल जिले के मोहकमपुर गांव में राष्ट्रीय गौरक्षक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबल जिले के समस्त पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। गांव के सभी लोगों ने गौ माता की सेवा एवं रक्षा करने का संकल्प लिया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। सभी भक्तों को संबोधित करते हुए गौवत्स पंडित कवित्त शास्त्री जी ने महाराज ने कहा, हमें अपने बच्चों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे संस्कारित होंगे, अपने माँ बाप की भी सेवा अवश्य करेंगे, पढ़ाई में भी काफी उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। रिपोर्ट मोहित शर्मा, हिंदुस्तान न्यूज 24। वैदिक सनातन धर्म की आज के आनंद की कल के भी धन्यवाद साधुवाद, सभी को नमन वंदन करता हूँ। मंच पर सम्मान सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ और सभी भक्तों को नमन करता हूँ। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्यैवचा नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गावो ममागतजन्तु गावो मे सन्त परिष्ठदः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् गवां मध्ये वसाम्यहम् सर्वदेवमयी देवी सर्वदेवैवलङ्कृते मातर ममाभिलषितम् सफलम् कुरु नन्दिनी सफलम् कुरु नन्दिनी उलिगैया मैया की जय। आज के समय में आज हमारी जो धर्म की धुरी है गौ माता, सनातन धर्म का जो भार धारण किए हुए हैं, आप जानते हैं पहले बच्चों को सिखाया जाता था कि बेटा हमारे सनातन धर्म का जो भार है, जो धरती का बोझ है, उसको किसने धारण किया है, पहले बच्चों को सिखाया जाता था। लेकिन अब बच्चों को नहीं सिखाया जाता, अब बच्चों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया जाता है और एक साल के बालक को बहलाया जाता है मोबाइल देकर के, ले बेटा तू इससे बहल जा। पहले पैसा दिए जाते थे, अब ये मोबाइल दिया जाता है, जहाँ देखो तहाँ मोबाइल की मार लगी हुई है। इतना बड़ा बालक छोटा सा वो मोबाइल चलाना जानता है, बेचारे बड़े बड़े भी जानते हैं, उन पे फोन रिसीव करना नहीं आता, लेकिन बालक बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं मोबाइल में, प्रचलन में आ गया है। बालकों को पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई जाती थी, भगवान राम के बारे में बताया जाता था, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को ये नहीं पता है कि महाराज दशरथ के कितने पुत्र थे और उनके नाम क्या थे। बड़े ही सोचने का विषय है कि हमारी अब किस ओर जा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का जो पुकार रही है सदैव गौ माता, और जिसका दूध पी करके हम इतने बड़े हो गए, उसका ऋण हम नहीं चुका पा रहे और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। सनातन धर्म केवल गौ माता के सींगों पर टिका हुआ है, पूरे हम पूरी धरती टिकी हुई है गौ माता के सींगों पर टिकी हुई है, और अब यहाँ उस गौ माता को दुख दे रहे हैं। आज गौ माता अपना भोजन तलाश कर रही है कूड़ेदानों में जाकर के, कभी जाओ शहर में तो आप जाकर के देखो कि कूड़ेदान में गौ माता इधर से उधर भटक रही है, और अगर वो किसी के फल वाले के पास या किसी सब्जी वाले के पास या घास वाले के पास चली जाती है, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करता है, और हम लोग क्या करते हैं, अलावा हम कुछ कर नहीं पाते। ये बड़ा सोचने का विषय है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, और हम लोग ये गौ माता को कोसते रहते हैं, खेत में अगर चली जाए कुछ खाने के लिए तो बड़ा कोसते हैं, डंडा लेकर के भर जाते हैं मारने के लिए। लेकिन आप मुझे ये बता दो, अगर आप घर से निकाल दिए जावे, घर से निकालने के बाद कोई घर में ना घुसावे, घर में ना घुसावे, भोजन पानी आपको मिले सर न मिले, वो बाहर की व्यवस्था रही, आपको भोजन पानी ना दिए जावे, घर से निकाल दिया, भजन करोगे या गोमुखी लेके माला करोगे, उस समय क्या करोगे, गुस्सा नहीं आएगा आपको, क्रोध नहीं आएगा आपको, ठंड नहीं लगेगी आपको, गर्मी नहीं लगेगी आपको, बरसात में आपको बारिश नहीं पड़ेगी आपके ऊपर, आपको अन्न नहीं मिलेगा खाने को, तो क्या करोगे, तो किसी के खेत में कहीं ना जाकर के कुछ ना कुछ तो करोगे, कैसे तो अपनी क्षुधा तृष्णा शांत करोगे कि नहीं करोगे। उसमें अगर गौ माता किसी के खेत में जाकर के कुछ खा रही है तो बुरा क्यों लग रहा है, और डंडे से क्यों मार रहे हैं, दोष किसका है इसमें, दोष गौ माता का नहीं है, दोष हम जैसे मूर्ख व्यक्तियों का ही है। हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल पालन पोषण गौ माता का जब तक दूध दे रही थी तब तक घर में रखा, और उसके बाद में उसको घर से बाहर निकाल दिया,
अरे कम से कम ये तो बताओ तुम्हारे घर में भैंसे रह रही है, एक एक की जगह आठ आठ भैंसे पाल रखी आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि भैंसे क्यों पाल रखी तुमने, पालो अच्छी बात है, लेकिन एक गाय तो कम से कम रखो। जब तुम्हारे घर से वो गौ माता बाहर चली गई है और उसको भोजन पानी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कैसे ही ना कैसे करके तो अपना पेट पालेगी। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम एक गाय की सेवा जिस व्यक्ति के घर में नहीं हो रही है, हिंदू कहलाने लायक नहीं है। ध्यान देना, जिस घर में तुलसी माता का वृक्ष और गौ माता घर में नहीं है वो व्यक्ति हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं है। उसको हिंदू कहने से भी मतलब हिंदू धर्म से ही अलग कर देना चाहिए, वो हिंदू धर्म में रहने लायक नहीं है जिसके घर में गौ माता की सेवा ना हो और तुलसी माता का वृक्ष ना हो। ध्यान देना, दो चीज ऐसी है कि तुलसी माता का वृक्ष और गौ माता, ये आपको और केवल ऊर्जा प्रदान करती है और ऑक्सीजन देती है।